ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ইন মাই চ্যানেল। আপনারা দেখছেন এক্সপ্লোরার বিশাল। আর আজকের ভিডিওটা কিন্তু নর্মাল যে ভিডিওসগুলো হয় তার থেকে একদম আলাদা। আজকের ভিডিওর কন্টেন্টটা আমি রীতিমতন বুঝতে পারছি না কি বলবো আর কিভাবে তোমাদের কাছে প্রেজেন্ট করবো। সবাইকে পরিচয় করে দিই, এটা হচ্ছে আমার বন্ধু আরান। বেসিক্যালি হি ইজ ফ্রম হাওড়া। ওর সাথে দেখা করতে এসেছিলাম একটা কাজে, এবং একটা খুব ইন্টারেস্টিং স্টোরি বললো, মানে অ্যাবাউট ডেটিং, মানে ভারতবর্ষে লাভ রোম্যান্স একটা কিন্তু অন্য লেভেলের। কিন্তু সেই প্রেম করার চক্করে যে ইন্ডিয়ান ছেলেরা কতটা বেচারা হয়ে যায়, যাদেরকে এক কথা আমরা বলতে পারি মিস্টার বেচারা, সেটা আরানের সঙ্গে আজ কথা বলে বুঝলাম। বাট এই ভিডিওটা তোমরা দেখতে দেখতে প্রচুর হাসবে জানি, ছেলেরা তাই হাসিটাকে কন্ট্রোল করো। আর মেয়েদের কাছে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, এক্সট্রিমলি সরি ডিয়ার গার্লস, কারণ তোমাদের প্রচণ্ড রাগ হবে। কিন্তু বিশ্বাস করো, রাগটা যা করার ওর ওপরে করো, আমার ওপরে কিন্তু একদম রাগ করো না। सो आप सभी तो जानते ही हो कि हमारे इंडियन जनरेशन में फर्स्ट डेट का क्या मतलब होता है। ये किसी फेस्टिवल से भी बड़ा होता है। इसमें द गाइज, द मेन, द माचो मैंस, वो ऐसे रेडी होते हैं जैसे वो लगता नहीं है पता नहीं क्या करने वाले आज। तो सो हम चलते हैं अपना पहले की स्टोरी। ऐसे ही कुछ स्टोरी था जो मेरे साथ भी हुआ है। सो लेट्स गो। एक दिन मैं गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स। यू गाइस नो वेरी वेल व्हाट डज इट मींस। सो हम लोग वहाँ जाते हैं और लड़कियाँ, उनका तो नखरा जानते ही हो क्या मैं बोलना चाहता हूँ। सो मैं 7 बजे से तैयार था, बट उसे रेडी होने में 9 बज गए। बट जाना तो बनता है। तो हम लोग गए एक रेस्टोरेंट्स पे, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट्स है, अपना नियरेस्ट कोलकाता का वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स। वहाँ पर हम लोग जाते हैं, एक गर्लफ्रेंड मेरी ऑर्डर करती है अ माउंटेन राइस विथ क्रीमी वोल्केनोस। मैं भी एक्साइटेड कि लगता है कुछ बेहतरीन डिश आज मिलने वाला है, और आप सबको भी मैं ये एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, प्लीज़ कंट्रोल योर लव। सो देयर इज मेनी थिंग्स एंड मेनी मोर्स। रेस्टोरेंट्स में वेटर लेके आता है एक ट्रे में, वो एक बॉल सा कवर होता है, काफ़ी प्यार से रेस्टोरेंट्स में लेके आता है, वो रखता है सामने पे। मैं काफ़ी एक्साइटेड कि क्या है इसके अंदर, क्योंकि इस डिश का नाम मैंने भी पहली बार सुना था। तो ये जब इसके कवर हटाया जाता है और इस कवर पे अपनी छोटा सा चावल का पहाड़, उसमें 2-3 छोटे छोटे गाजर गड़े हुए, और एक छोटा सा कप में क्रीम। अरे उससे बड़े कप तो मैं मेरी बहन के खिलौने में है यार। उस पर वो क्रीम देता है, कुछ तो बोल नहीं सकता था मैं, क्या करता हूँ, अब अपना तो कट चुका है। सो अब सोचता हूँ कि कुछ खाने वाला ऑर्डर करूँ। तो मैं ऑर्डर करता हूँ एक दाल तड़का। वो दाल तड़का लेके आता है इतनी छोटी बाल्टी में। मैं बोला अबे तू दाल तड़का लेके आ रहा है, उसका टेस्टर लेके आ रहा है, इतनी तो मैं जूठी छोड़ देता हूँ अपने बर्तन में। अब खाना वाना सब खा चुके होते हैं, अब वो काफ़ी रोमांटिक मूड में आ जाती है, बोलती अरहान अरहान। सो मैं भी काफ़ी शौक यार, इतने पास आके बोल लिए अरहान, नाम का टोन सुन लो आप, अरहान आई वुड लाइक टू ड्रिंक रेड वाइन। रेड वाइन, बंदी ने जिंदगी में फ्रूटी से आगे कभी बढ़ा नहीं है, बट मेरे साथ तुमने पीना है रेड वाइन। सो क्या करूँ, ऑर्डर करता हूँ, वो वेटर को बोलती है 2 लाने। लेकिन भाई अपना मैथ बहुत स्ट्रांग है, मैं यहाँ काउंट कर रहा हूँ जेब में है कितने, एक ही मंगाता हूँ। वेटर रेड वाइन लेके आता है, वो रेड वाइन नहीं मेरे दिल का लहू लेके आता है। वो रेड वाइन रखती है, पूरी भी नहीं पीती है, आधी छोड़ देती है। जैसे गई वो वॉशरूम में, मैं तो पी गया, 750 की यार, ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। अब आता है एक ट्विस्ट, बहुत गहरा ट्विस्ट है ये। तो बैठे हुए, अब इन्हें खाना होता है एक बॉल विथ मसाला वाटर। नया नाम, ऐसा नाम जो आप सब काफ़ी बेहतरीन तरीक़े से जानते हो, और वो ऐसा चीज़ भी है। सो गाइस मैं आपको इसका बताने वाला हूँ, प्लीज़ मोबाइल मत तोड़ देना अपना, एंड द बॉयज ऑफ आवर लोकेलिटी बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो वो आता है वेटर, जैसे ही मैं देखता हूँ वेटर की तरफ,
पानीपुरी लेके आ रहा था। पानीपुरी? मैं बोलता हूँ अपनी बंदी को, तुझे जब ये खाना था तो नीचे में जो पानीपुरी वाले चचा है वो क्या तुझे कम दे रहे थे या वो खराब दे रहे थे तुझे? पानीपुरी खाना है? What is this यार? अब एक बिल आता है और वो बिल में बहुत सारा टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, इसके जैकेट का टैक्स, उसके जैकेट का टैक्स, पूरा एक लंबा सा लिस्ट आता है। अब इतने बड़ा बिल तो मेरे घर का राशन का भी नहीं आता है। वो बिल देख के तो पहले तो अपनी जल चुकी होती है, पर क्या करो, अब वहाँ दिखाना पड़ता है। बंदी को भी एक प्राउड फील कराना पड़ता है ना यार, अपने भी क्या दिखाना पड़ता है कि कितनी अमीर हो, भले साले घर में गरीब बन के बैठा हो, दिखाना पड़ता है। निकालते हैं हम लोग कार्ड, जिंदगी में फर्स्ट टाइम वो पहली बार कार्ड स्वाइप कर रहा हूँ। कार्ड स्वाइप होता है, एक दिल से, दिल की हार्ट बीट इतनी ज़ोर ज़ोर धड़कती है ना जितनी उसके आई लव यू बोलने पे भी नहीं धड़कती होगी। क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा? 7,000 फर्स्ट डेट, 7,000। और उनको क्या लगता है, बस हो गया, सौ और कहीं चलना है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, बोलता हूँ चलना है, जहन्नुम चलोगी मेरे साथ? वहाँ भी काफ़ी अच्छा अच्छा मिलता है, वहाँ खाना है क्या तुम्हें? So that is from me. So thank you. Welcome. মানে বিশ্বাস করো, ওর এই ফার্স্ট ডেটিং এর এক্সপিরিয়েন্সটা শুনে আমি তো রীতিমতো হাসতে হাসতে পেট ব্যথা হয়ে যাচ্ছিল। যাই হোক, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করো বন্ধুদের সাথে, শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলো না। আর যারা এখনো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও। আর আরান, তুমি তোমার এই এক্সপিরিয়েন্সটা যে বললে ডেটিং এর, কিছু বলবেই নি? So आज मैं आपको अपना सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ लाइफ का। इतना एक्सपीरियंस और इतना स्ट्रगल मुझे शायद एक मॉडल बनने पे भी नहीं लगा होगा। सो ये एक्सपीरियंस है मेरे फर्स्ट डेट का। सो आप तो सब समझ गए होंगे कि आगे अब क्या ट्रेजेडी शुरू होने वाली है। सो लेट्स गो। ओके ओके, नेक्स्ट ट्रेजेडी सुनार जो एक अन्य दिन आसबो, एखनकार जन्य टाटा, बाय 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 बाय।